सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार करिए। अहंकार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मुझे ज़्यादा समझता है, तुमको नहीं समझता है, ऐसा समझ के नहीं करना चाहिए। जब आप छोटे से छोटे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करोगे, वो आपके लिए बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं जब PW मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो एक सोलापुर के रेस्ट हाउस में एक खानसामा था। तो बाद में मैं मेरा मंत्री पद चला गया और फिर कभी मैं सोलापुर जाता था, वो डब्बा लेके स्टेशन पे आता था, रात को गाड़ी आती थी सोलापुर से मुंबई, तो जनरली उसी से आता था। तो मैंने उसको एक बार कहा कि भाई तुम क्यों आते हो डब्बा लेके, ना मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, ना मैं महाराष्ट्र सरकार में भी हूँ अभी, तो तुम्हारा कोई, तुम क्यों तकलीफ़ उठाते हो, तुम क्यों लेके आते हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि सर, आप जब मंत्री थे तो आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरा प्रमोशन हुआ, मेरे साथ आपने अच्छा बिहेवियर किया, मैं कभी ज़िंदगी में उसमें भूल नहीं सकता, और वो रिस्पेक्ट के लिए मैं आपके पास लेके आता हूँ। और उसके आंखों में आंसू आए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल मेरी रोटी और सब्जी खा लोगे तो भी मुझे खुशी होगी, इतना आप केवल करिए। तब मैंने उसको कभी नहीं रोका, अभी भी मैं सोलापुर जाता हूँ, अभी वो रिटायर्ड हो गया है, फिर भी मेरे लिए वो कभी ट्रेन से आता हूँ तो अभी हवाई जहाज में गया तो भी आता था। सो आई ऑलवेज टेलिंग टू द पीपल, मैं तो पब्लिक लीडर हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा के जब मुझे मनाई की गई थी यहाँ से मत लड़ो, और अभी मैं चुनाव लड़ा, इस बार 3.5 लाख वोटों से आया हूँ, अगले चुनाव में 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतूँगा। और मैंने अभी तय किया है कि मैं फोटो नहीं लगाऊंगा, कटआउट नहीं लगाऊंगा, खिलाने पिलाने की बात ही नहीं, अब चुनाव मेरे हिसाब से चलेगा, जिसको देना वोट दे, नहीं देना वो मत दे, मुझे विश्वास है लोग देंगे। क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जब लोगों में काम करेंगे तो कास्ट, कैश, सब बातें, जो रिलीजन, सब तो ऊपर उठ के लोग तुमको सपोर्ट करते हैं, और इसलिए समवेयर योर लीडरशिप अप्रोच, यू आर ऑल्सो द लीडर, बिजनेस लीडर बनने वाले, अभी बड़े बड़े USA में CEO बने, आपके यहाँ से गए हुए लड़के बने, तो स्वाभाविक रूप से मैनेजमेंट इज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसका संबंध एजुकेशन से नहीं है। एजुकेशन की डिग्री जो होती है वो आदमी को एजुकेटेड बनाती है, सुशिक्षित बनाती है, सुसंस्कृत बनाती नहीं है, सुशिक्षित बनाती है, एजुकेटेड। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, हमारे सोसाइटी के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इथिक्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड एथिक्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोसाइटी। और वैल्यूज क्या है ये आपको भी पता है, हमारे टीचर के साथ हम कैसे बिहेवियर करें, माता पिता के साथ कैसे बिहेवियर करें, संवेदनशीलता, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी के मार्ग से चलना, छोटी छोटी बातें हैं जो वे ऑफ लाइफ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है, मैं मजाक में कहता, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली में तो काफ़ी दोस्त हुए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर तो फिल्म एक्टर, अभी सब इंटरनेशनल लोग भी मुझे मिले, काफ़ी लोगों से संबंध आया। तो मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको क्या महसूस होता है, मैं कभी दिल्ली नहीं जाता था, पहली बार पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बन के पार्टी का दिल्ली गया था, तो दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत बेस्ट है, दिल्ली में बड़ा होशियारी से काम करते हैं लोग, होशियारी का शब्द अर्थ आप एग्जैक्ट समझ लो। तो मैंने उनको बताया था कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जितना बड़ा समझ रहा था उतना वो बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं।
और मैं जिनको बहुत छोटा समझ रहा था, उन लोगों के नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। और ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो राजनीति में चुनाव होते ही है, तो हमारे यहाँ नागपुर में ट्राइबल सेक्टर में वो पारधी समाज की एक महिला थी, तो उस समय मुंडे साहब होम मिनिस्टर थे, तो पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, वो हाथ बट्टी सब डिस्ट्रॉय की उनकी, काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ। तो मैं और मुंडे साहब वहाँ गए थे, बाद में वो जो हाथ बट्टी चलाने वाली महिला थी हमारी पार्टी में आई, तो मैं एक जिला परिषद में उसने छोड़ दिया धंधा वो, तो उसको मैंने अचानक मैंने कहा कि आप चुनाव लड़ो जिला परिषद का, हम आपको टिकट देंगे। और मैंने उनके तुरंत 5,000 रुपये लेके उनको दिए, तब चुनाव था जिला परिषद का, कि आप काम की शुरुआत कर दो। और बाद में जब टिकट बांटने की बात आई तो सब लोगों ने मुझे कहा कि ये इसकी कम्युनिटी बहुत माइनॉरिटी में है, ये चुनाव नहीं जीत पाएगी, और वहाँ तो ट्राइबल में से दूसरे कम्युनिटी जो मेजोरिटी उनको टिकट देना चाहिए, नहीं तो हारेंगे, इसके ऊपर आपकी इच्छा, मेरे लिए कोई नहीं बोल रहा था, पर सब ने मुझे कहा कि ये उचित नहीं होगा। तो मुझे बड़ा धर्म संकट आया कि अब क्या करना। तो मैंने 5,000 रुपये भी दिए थे और प्रॉमिस भी दे दिया था, और वैसे चाहता तो मैं टिकट दे सकता था, मेरे लिए कोई विरोध नहीं कर रहे थे, पर मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो मैंने उस महिला को बुलाया और मैंने उनको कहा कि मुझे माफ़ करिए, आपको टिकट नहीं दे पाते क्योंकि जितना मुश्किल होगा ऐसा सबका कहना है, मैंने तो आपको कह दिया और आपने काम भी शुरुआत कर दिया, अब आपको नहीं बोलना पब्लिकली सब आपने डिक्लेयर करने के बाद मेरे लिए बहुत है, मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। उसने कहा भाऊ क्षमा क्या मांगते हो, उसकी क्या ही है, कोई ज़रूरत नहीं, आप जो भी उम्मीदवार देंगे उसका मैं काम करूँगी। और झट उसने पर्स में से पैसे निकाले, कहा कि 3 दिन मैंने गाड़ी लगाई थी, ये 1,800 रुपये खर्चा हुए, बाकी पैसे ही आप वापस लो और जो भी उम्मीदवार होगा उसका मैं काम करूँगी। और तुरंत हंसते हुए वो चली गई और उसने उसका काम किया। अब मैं इतना राजनीति में कि जब टिकट नहीं मिलता तो कैसे लोग नाराज होते, घर के बाहर निकाल देते, गालियाँ देते, तो उसका मैंने बहुत अनुभव लिया। तब मुझे लगा कि ये इसके ऊपर ना एजुकेशन है ना संस्कार है, इसने कितना अच्छा व्यवहार किया। तब मेरे ध्यान में आया कि केवल एजुकेशन से ही प्रगल्भता आती है, अच्छा व्यक्ति बनता है, ये सच नहीं है। विद्वान बनना और अच्छे व्यक्ति बनना, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिफरेंस है। और इसलिए जो मूल्याधिष्ठित संस्कार है हमारे जीवन पद्धति में, इथिक्स में, वो हमारे परिवार से मिलते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिलते हैं। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति भी उसकी भी ताकत है। और इसलिए नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है और व्यक्तित्व में अच्छे संस्कार भी आवश्यक है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसा तो कमाना है, पर पैसा जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। और ये बात हम लोग समझ सकते हैं, विश्व में ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे वहाँ बोलने का मौका मिला, और भाषण ख़त्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में चाय पीने के लिए गया था, तो फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों भी थे, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि हमारे यहाँ गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा कि जब ये मैंने बताया तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सोशल सिस्टम ही अभी काफ़ी उध्वस्त हो रही है। तो मैंने बोला क्यों, बोले हमारे यहाँ नए लड़के और लड़कियाँ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और इसके कारण परिवार पद्धति कोलैप्स हो रही है, हमें समझ में नहीं आता कि इसका कैसे हम मार्ग ढूंढे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ ये समस्या नहीं है, मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपके यहाँ गरीबी है तो ये आपके यहाँ क्यों नहीं है। तब मैंने उनको कहा कि हमारी समाज पद्धति, जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित है, गरीब के घर में भी अच्छे संस्कार हैं और अच्छे संस्कारों के कारण, जो मूल्याधिष्ठित संस्कार पद्धति है उसके कारण हमारे यहाँ ये समस्या नहीं के बराबर है।
और ये हमारी भारतीय समाज की सबसे बड़ी ताकत है।